हाथरस थाना हसाइन में पुलिस बल द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़। गुड़वर्ग थाना अध्यक्ष मृदुल कुमार सिंह हसाइन थाने में चेकिंग के दौरान मुख्य विकास की सूचना पर अभियुक्तजनों द्वारा अवैध रूप से शस्त्रों का निर्माण व मरम्मत करने की खबर मिली। तुरंत कार्यवाही करते हुए थाना अध्यक्ष मृदुल कुमार सिंह ने पुलिस टीम रविकांत, राजेंद्र प्रताप सिंह, अरविंद कुमार, राहुल कुमार, तरुण कुमार के साथ गांव निजामतपुर के पास विजयपाल के खेत पर झोपड़ी में अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालन करते हुए सोनू पुत्र विजयपाल निवासी गांव निजामतपुर को करीब 7:30 पर गिरफ्तार कर 6 देसी तमंचा, 315 बोर चालू हालत में, 2 तमंचा अधवने 315 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 शस्त्र बनाने के उपकरण व 500 रुपये बरामद किए। एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। सर, ये आज पूरा मामला क्या था और ये अभियुक्त पकड़ा गया है? ये कल दिनांक 6/8/2020 की घटना है और हसायन थाना प्रभारी हैं श्री मृदुल कुमार सिंह। ये अपने फोर्स के साथ गश्त में थे। इन्हें सूचना मिली कि निजामतपुर गांव के पास झोपड़ी में अवैध रूप से तमंचे बनाए जाने की शिकायत मिली। इनके द्वारा सावधानी पूर्वक तत्परता से कार्रवाई की गई और ये एक अपराधी है सोनू पुत्र विजयपाल, ये गिरफ्तार हुआ है। निजामतपुर गांव के क्षेत्र में ही जो इसके खेत हैं उन्हीं की उसी में बनी झोपड़ी में ये अवैध तमंचों का निर्माण कर रहा था। इसका एक साथी विजय नाम का है जो अल्लिया गांव का राया क्षेत्र का रहने वाला है मथुरा का, वो मौके से भागने में सफल रहा। इनके पास से 6 तमंचे मिले हैं 315 बोर के जो पूरी तरह निर्मित हैं, चालू हालत में हैं। इसके अलावा अधबने तमंचे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में रॉ मटेरियल है अवैध तमंचों के निर्माण से संबंधित, ड्रिल मशीन है, बांक है, लोहा है, बैठे हैं, उनके कील कांटे हैं, रेती औजार, सभी औजार हैं। तो ये एक अच्छी कार्रवाई हसायन पुलिस द्वारा की गई है। इसके संबंध में 5/25 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अपराधी को जेल भेजा।